Hello friends, welcome to my channel GateNaps for you. Let's open gates of success together. Please like and subscribe and press the bell icon. हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हम ऑपरेटर्स कर रहे थे दोस्तों, और हमने यूनरी ऑपरेटर्स को अच्छे से फिनिश किया है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो और ये सबसे ज़्यादा आप हर प्रोग्राम में देखते हैं, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या ये चीज़ें आप यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, क्या रूल्स हैं इस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के सी लैंग्वेज में, और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी सेम होता है। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो सी, सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज में आप इसके क्या रूल्स हैं वो अच्छे से समझ जाएंगे, और इसके रिलेटेड जितने भी हमें कि कैसे इसको यूज़ करना है वो सब चीज़ समझना चाहिए। तो इस वीडियो में हम वो अच्छे से सब चीज़ जान लेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आपके पास पांच ऑपरेटर होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस। ये आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग ट्वेल्थ तक अभी इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम डिवीज़न ही जानते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे मॉडुलस दोस्तों काम क्या है, ये तीनों से तो आप भली भांति परिचित हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, सपोज़ आप यूज़ कर रहे हैं टू, और आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सपोज अगर आप लिख रहे हैं दोस्तों 11/2, तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, 2 5 10 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर विल बी 1। तो दोस्तों, अगर आप मॉडुलस लगा रहे हैं, दैट मीन्स इफ़ यू आर राइटिंग 11/2, तो ये डिवीज़न आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको देता है कोशेंट। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं दोस्तों परसेंट का सिंबल, दैट मीन्स मॉडुलस, तो ये आपको देता है रिमाइंडर। अब आपके पास कुछ भी, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जाना ये किस तरीके से यूज़ होता है, और दोस्तों इसके ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी में भी हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे प्रेसिडेंस में जैसे हम बॉड मास नॉर्मली पढ़ते हैं, यहाँ पे बॉड मास अप्लाई नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे इन तीनों की प्रायोरिटी इक्वल ही है, और ऐड और सब्ट्रैक्शन की भी इक्वल है। तो ये प्रायोरिटी में लेवल 1 पे आते हैं, और इसको आप कह सकते हैं लेवल 2 पे आते हैं। तो अगर आपके पास, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर 2+3 और डिवाइड या मल्टीप्लाई 4 आप यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसके साथ आप प्लस सॉल्व कर लेंगे। बट दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि हमने 6/2 कर लिया है, या आप मल्टीप्लाई को इधर रख लेते हैं, यहाँ पे हमने एक मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे हमने 4/2 भी किया, सपोज़ ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास, इसको आप देखिए अच्छे से। तो दोस्तों, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये भी ऑपरेटर 1 प्रेसिडेंस का, आप देखिए बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या सॉल्व होना चाहिए, डिवीज़न। बट दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस तीनों की एक ही प्रायोरिटी है। और अगर एक ही प्रायोरिटी वाले आते हैं, तो बाइनरी ऑपरेटर्स में प्रेसिडेंस रूल क्या कहता है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने के लिए बोलता है। तो दोस्तों, होगा क्या, पहले ये सॉल्व होगा, तो 6/2 का रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों, 12। तो 12+3 ये रहेगा ऐसे ही, और फिर इनटू में 4, फिर डिवाइड बाई 2, फिर उसके बाद दोस्तों आपका इसका रिजल्ट सॉल्व होगा, वो भी आएगा आपका 12, फिर 12 से 2 डिवाइड होगा, तब रिजल्ट क्या आएगा, 6, और वो फिर 12+6 आके आपका रिजल्ट आएगा। तो ये हम एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस में सारे ऑपरेटर्स की बहुत अच्छे से जानेंगे। फिलहाल मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दिया, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, ये रूल मैंने टाइपकास्टिंग में भी डिस्कस किया था आपके साथ, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो वहाँ पे भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे दोनों ऑपरेंड्स क्या होते हैं, इंटीजर, तो ही रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर, वरना रिजल्ट क्या होगा, फ्लोट। अगर उनमें से एक भी फ्लोट है तो रिजल्ट विल बी फ्लोट। केवल इंटीजर और फ्लोट के बारे में यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, चाहे अब फ्लोट की जगह वो डबल हो या लॉन्ग डबल हो, और यहाँ पे इंट हो या लॉन्ग इंट हो। तो अगर दोस्तों दोनों सेम है तो रिजल्ट सेम होगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या होगा, जैसे अभी आपने यहाँ पे 3.0+4 किया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 7.0। अगर डिवाइड भी होता है ये, तो दोस्तों इसका पूरा ये डिवाइड कर देता। और अगर 3+4 कर रहे हैं हम, तो इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, 7। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मॉडुलस जो है आपका, वो यूज़ नहीं हो सकता फ्लोट के साथ। दोस्तों देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप 5.0/2 लिख रहे हैं, तो आपका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, पूरा ये डिवाइड करेगा, 2.5 आ जाएगा। बट दोस्तों, अगर आप परसेंट के साथ यूज़ करते हैं, तो परसेंट क्या देता है हमें, रिमाइंडर। तो आपको पता है जब ये पूरा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर विल बी 0। तो आप अगर फ्लोट के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आना क्या है, 0 ही आना है हमेशा। तो इसलिए उन्होंने इसको इंक्लूड ही नहीं किया। मतलब अगर आप मॉडुलस के साथ एक भी फ्लोट लिखते हैं, तो वो क्या होगा, एरर होगा, वो सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व होता भी तो दोस्तों 0 ही आता, रटने की ज़रूरत नहीं है। बट आप सोचिए, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 ही आना है, तो हम ऑपरेटर लगा के फ़ायदा क्या कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो भी देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से, सपोज हमने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, और एक बार इसकी आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, 7/3 लिख रहे हैं आप, तो 3 × 2 = 6, ये आपको क्या देगा, क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा, 2। 7% 3 अगर यूज़ हो रहा है, तो रिमाइंडर आएगा, वो आएगा 1। 7.0
अपॉन थ्री कर रहे हैं आप, तो थ्री टू जा सिक्स, आपका क्या बचेगा वन, तो ये कितना आ जाएगा 2.3333। अगर आप इसको ऐसे लिखें तब भी सेम इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 2.33, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों 2.33। और यहाँ पे मैंने ये चीज़ मेंशन भी कर दी, अगर आप इसके साथ एक भी क्या है मतलब मॉडुलस ऑपरेटर के साथ एक भी फ्लोट है तो रिजल्ट विल बी एरर, क्योंकि दोस्तों पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो आपका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे भी आप परसेंट लगा देंगे तो भी एरर है, और यहाँ पे भी परसेंट लगाएंगे तो भी क्या है दोस्तों एरर है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात कि आप परसेंट लगा के क्या हो सकता है एरर आ सकती है। इसके बाद एक और चीज़ है, और इसमें मोस्टली आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार देखिएगा, अगर आपने ये सॉल्व चीज़ नहीं की है तो रैंडमली अगर आपके पास एकदम से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है तो वहाँ पे आपका कैसे लॉस हो सकता है, एक बार देखिएगा रिजल्ट क्या आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए परसेंट लगा के इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है, आप सॉल्व करके मतलब हो सकता है कुछ कन्फ्यूज भी हुए हैं या कुछ और हुआ हो। तो दोस्तों करने का तरीका क्या होता है, जब आप इसमें सिर्फ आप डिवाइड कीजिए इसको अच्छे से, मतलब 5 को 2 से डिवाइड कीजिए, जो भी रिमाइंडर आता है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, तो दोनों केस में रिजल्ट क्या आने वाला है 1। मतलब रिजल्ट किसका बता रहा हूँ मैं, रिमाइंडर का, वो आया 1। बट अगर यहाँ पे साइन है माइनस का और यहाँ पे नीचे माइनस का साइन है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे क्या है हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है साइन माइनस का है, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए न्यूमरेटर का साइन लगता है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर का साइन क्या है माइनस है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा माइनस 1, और इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों सिर्फ 1। तो इस तरीके से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बन सकता है, तो वहाँ पे हमारा 1 और माइनस 1 अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हो और सपोज हम गलती से दूसरा गलत कर दें तो उस केस में क्या होगा हमारे पास नेगेटिव मार्किंग और हो जाती है, तो हम वाकई में पिछड़ जाते हैं। 0.25 भी बहुत मैटर करता है दोस्तों, और अगर हम 1.25 का लॉस कर रहे हैं तो हमारी रैंक पर बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थोड़ा इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर को और देख लेते हैं कि कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर दोस्तों इन फ्लोट कैर आप सबके साथ यूज़ कर सकते हैं। कैर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, देखिए दोस्तों कैर में हमने जब कैर डेटा टाइप पढ़ा है वहाँ अच्छे से समझा है कि हम कैर कैसे स्टोर होते हैं मेमोरी में, तो वो लेते हैं तुम्हारी एसकाई वैल्यू, एसकाई वैल्यू की टर्म्स में वो दोस्तों क्या होता है स्टोर होता है। तो अब ए की वैल्यू हमें एसकाई तब हमने पढ़ी भी थी 97 होती है, कैपिटल ए की 65 होती है, ऐसे ही आप ऐड कर सकते हैं। जीरो की बाइनरी भी दोस्तों 48 होती है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भी चला सकते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ भी, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है मैंने, इसके हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज आपने लिखा है कैर एक्स वाई दोस्तों, और यहाँ पे इंट जेड भी आपने लिया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी कैर एक्स वाई है तो दोस्तों इनमें क्या पड़ा होगा, कोई भी गार्बेज एसकाई वैल्यू पड़ी होगी। जेड क्या इंटीजर, यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू पड़ी होगी गार्बेज। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं दोस्तों, ए डाल रहे हैं, और यहाँ पे देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं जनरली ए तो आप ऐसे नहीं डाल सकते, वैल्यू देने के लिए आप सिंगल कोट का यूज़ करता है। जब आप ये डाल रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको कैर डेटा टाइप में भी समझाया था ए स्टोर नहीं होता मेमोरी में, और दोस्तों मेमोरी में ए कैसे स्टोर हो सकता है सोचिए, मेमोरी में हमेशा क्या चेक जाती है 1010, और ए की क्या बाइनरी है कुछ भी नहीं है, वो हमें नहीं पता चलेगा। यही एसकाई वैल्यू भी होती है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने हर कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या दे रखा है, एक इंटीजर वैल्यू दे रखी है। तो जब भी हम वो कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो एक्चुअली मैम उसकी इंटीजर वैल्यू की बाइनरी स्टोर कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था ए की वैल्यू कितनी होती है 97, तो दोस्तों एक्स के अंदर क्या जाएगा 97 की बाइनरी जाएगी। इसी तरीके से ये ए की बाइनरी किसमें चली जाएगी, इसमें चली जाएगी बी में, एंड दैट इज व्हाट 65। अब दोस्तों आपका ए प्लस बी यहाँ पे होगा, तो ए प्लस बी होके एक्स प्लस वाई सॉरी, और वो रिजल्ट किसके अंदर डाल रहे हैं आप दोस्तों इंटीजर में, और दोस्तों यहाँ पे दोनों चीज क्या है आपकी इंटीजर ही है, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 162, तो 162 इज ऑल्सो इंटीजर वैल्यू, तो ये आपके दोस्तों प्रिंट हो जाएगा। तो जब आप जेड प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 162। दोस्तों पॉइंटर्स वगैरह में भी इस चीज़ के ऊपर मतलब कैरेक्टर वैल्यू को ऐसे असाइन करके या सिंपल लिख के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो कैरेक्टर डेटा टाइप अगर आपने नहीं देखा तो कैर के बारे में आप वहाँ से देख लीजिए, और थ्रू आउट द कोर्स हम इन चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे। इसलिए मैंने पहले इन डेप्थ में ख़त्म करने की कोशिश की है डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स को, जिससे कि थ्रू आउट प्रोग्रामिंग हमें कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े। तो आई होप दोस्तों आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक और एग्जांपल मैंने लिया था, इसको भी देख लेते हैं। कैर एक्स इक्वल्स टू दोस्तों मैंने क्या किया है, ए डाला है इसके अंदर, तो ए डाला तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों 97 की बाइनरी आपकी चली जाएगी, तो 97 की बाइनरी आपकी चली गई है। और यहाँ पे क्या किया है दोस्तों मैंने, एक्स प्लस वाई को दोस्तों किस में, एक्स प्लस वन को किस में डाला है वाई में। दोस्तों यहाँ पे एक्स मैंने कोट्स में नहीं लिखा है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 97, तो 97 प्लस वन। अब देखिए 97 प्लस वन क्या होगा दोस्तों 98, 98 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा
वाई के अंदर हो सकता है, आपको लगेगा ये इंटीजर वैल्यू है, नहीं स्टोर हो रही है, तो वो इसीलिए कर सकते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे आप कैर एक्स इक्वल्स टू ए लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर 97 ही जा रहा है, तो यहाँ पे अब आपका क्या चला गया, 98 चला गया। और 98 जब आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं, देखो y की, तो परसेंट d के साथ मैंने y प्रिंट किया है, तो क्या प्रिंट होगा दोस्तों, 98। और अब आप y को प्रिंट कर रहे हैं और वो भी परसेंट c के साथ, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमें कैरेक्टर में प्रिंट करनी है, तो कैरेक्टर में इसकी वैल्यू कितनी है, बी। तो आप देख सकते हैं एक्स के अंदर आप कैरेक्टर की फॉर्म में समझेंगे तो ए पढ़ा है और यहाँ पे क्या पढ़ा है, बी पढ़ा है। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस लैंग्वेज जो पढ़ाया है मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।